पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी छोटे बड़े दलों से गठबंधन करने की कवायद शुरू कर दी है। अखिलेश यादव इस बार किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता अन्य पार्टियों से शायद सुलह नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कई दलों से गठबंधन किया है। इसी क्रम में गठबंधन हुए दलों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गठबंधन किए हुए दलों के प्रमुख नेताओं का सम्मान किया गया। यह आयोजन समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रखा गया, जिसमें देखा गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने मंच पर गठबंधन की पार्टियों के नेताओं को ज्यादा जगह नहीं दी, बल्कि जो लोग आए उन्हें मंच पर पीछे बैठा दिया, जबकि आगे की ओर का पूरा हिस्से को समाजवादी नेताओं ने अपना बनाए रखा। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुरादाबाद की जिला समाजवादी इकाई अगर गठबंधन को सम्मान नहीं दे सकती तो गठबंधन को जिताने के लिए क्या करेगी। समाजवादी नेताओं में फोटो खिंचाने की होड़ कुछ इस कदर नजर आई कि गठबंधन के नेताओं को पीछे ही छोड़ दिया गया। हालांकि कुछ तस्वीरों में तो अन्य दलों के नेता दिखे, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें पीछे बैठा दिया गया। फिर यूं कहें कि ये बारात जिनके लिए सजाई गई थी, फोटो खिंचाने की होड़ में उस बारात के दूल्हा को ही पीछे छोड़ दिया। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है, पूरे देश में प्रदेश में समाजवादियों की लहर आई है। आज हमारी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में घटक दलों के साथ जो अलायंस हुआ है, उनकी हमने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल है, स्वेल देव भारतीय जनता पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, प्रस्पा है, महान दल है, इन सारे लोगों से मिलकर इनके कार्यकर्ताओं का, इनके नेताओं का हमने मान सम्मान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत और पार्टियों की मदद की जाएगी? ये रणनीति तो आपकी देख रही है, सारी जनता, सारे नेता एक हैं। सहयोग लिया जाएगा किसानों का, सहयोग लिया जाएगा मजदूरों का, बेरोजगार का, उन महिलाओं का। देखिए, प्रस्पा से राजेश यादव साहब चेयरमैन DCB, उनके अध्यक्ष सिद्धार्थ चौधरी, लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह, मनोज चौधरी साहब और सभी सम्मानित हमारी जो अलायंस के साथी वो यहाँ मौजूद हैं, इकट्ठे हैं। और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेता, आदरणीय एसटी सांसद जी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी सानी अली सानू साहब, हमारे हाजी इकराम साहब, जयवीर यादवपुर जिलाध्यक्ष हाजी रिजवान साहब और हमारे सभी सम्मानित विधायक और विधायक सांसद और पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। क्या अपील करना चाहेंगे हम जनता से? चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी बहुत सारी महिलाएं, नेता, कार्यकर्ता है मौजूद हैं। जनता से हमारी अपील है कि भाजपा सरकार उखाड़ फेंकने का काम करें, अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करके अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। देखिए, जैसे कि माने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी और श्री अखिलेश यादव जी ने जो है ये गठबंधन किया है, इससे पूरे प्रदेश में ही एक अलग लहर चल पड़ी है और दोनों ही नेता मिलके आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और जो आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहेगा उसी दिन दिशा निर्देश पे हम लोग काम करेंगे और इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता चुनाव में जुट गए हैं। नहीं, दोनों पार्टियों का आप देख सकते हैं, आज संयुक्त कार्यक्रम हुआ है समाजवादी पार्टी ने। हाँ, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे ऑर्गेनाइज करा है और जैसे राष्ट्रीय नेता का आदेश रहेगा आने वाले समय में उसी हिसाब से प्रोग्राम आगे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। और संगठन की बात ऐसी है, अभी पिछले एक दो महीने पहले रथ यात्रा मुरादाबाद से आई थी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की, अगर आप तब देखते रथ यात्रा तो एक बहुत शानदार कार्यक्रम हमारा हुआ था, तो उसमें संगठन की ताकत से ही हुआ था, किसी एक आदमी के उससे नहीं हो सकता, तो संगठन की ताकत से ही वो सफल कार्यक्रम हम लोगों ने करा था। और पूरे प्रदेश में ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रथ यात्रा अगर आप देखेंगे जो निकाली गई है, पूरे प्रदेश में बहुत जोरदार स्वागत हुआ है और सभी जगह शानदार कार्यक्रम। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।